ये देखिए दोस्तों, ये केक बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरवी अंजू। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का, आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो फिर रेसिपी जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले रखा है। इस बाउल में मैं अंडे ले रही हूँ। हमने यहाँ पर 4 अंडे लेने हैं। अंडे ले लिए हैं हमने, अब हमें इसे अच्छे से फेंटना है। मैं अंडे फेंटने के लिए या फिर केक की सारी सामग्री मिक्स करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर का यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर नॉर्मल हैंड ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास ये सभी नहीं हैं तो आप नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में भी ये सारी सामग्री मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अंडे को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब मैं इसमें पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। मैंने 1 कप चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था, ये वही चीनी है। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही इसे हम मिक्स करते रहेंगे। तो चलिए अब हम बची हुई चीनी फिर से डाल लेते हैं, और इसे डालने के बाद हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। केक के सारे इंग्रेडिएंट जितने अच्छे से एक दूसरे से मिक्स होंगे, केक उतना ही अच्छा बनता है। चीनी अच्छे से अंडे में मिल गई है। अब इसमें मैं 1 कप मैदा डाल रही हूँ, और इसके बाद इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सभी चीज़ें मिक्स करते हुए आपको ये भी ध्यान देना है कि ये बाहर भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1/2 कप कोको पाउडर डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाएं इसे अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें, जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ये बैटर अभी यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसलिए इसमें मैं 3/4 कप अब यहाँ पर रिफाइंड ऑयल मिला रही हूँ, और इसे हम फिर से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास बटर है तो यहाँ पर आप 3/4 कप बटर का यूज कर सकते हैं, इससे आपका केक और भी अच्छा बनकर तैयार होगा। अब इसके बाद इसमें मैं 2 चुटकी मीठा सोडा और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। इसे डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है, हमें देखिए बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए। तो चलिए अब इसकी हम बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैं केक को इस बर्तन में बेक करने वाली हूँ, तो इसको अब हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसे हम चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। साथ ही में मैंने बर्तन के साइज का बटर पेपर काट के रखा हुआ है, इसे हम बर्तन पे ऐसे ही अब लगा देते हैं। बटर पेपर को भी हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। हमारा केक का ये बर्तन अच्छे से ग्रीस हो चुका है, तो चलिए अब इसमें हम बैटर डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, बर्तन में हम बैटर को धीरे धीरे करके डाल देते हैं। अब बर्तन को नीचे 2 से 3 बार हम टैप कर लेंगे, जिससे हमारा बैटर अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अब हम इसकी बेकिंग शुरू करते हैं। मैंने ओवन को 180 डिग्री पर पहले ही प्री हीट करके रखा हुआ है। अब इसे हम 180 डिग्री पर 1/2 घंटे के लिए बेक कर लेंगे। तो चलिए इसे हम स्टार्ट कर देते हैं और 1/2 घंटे का वेट कर लेते हैं। केक तो बनकर तैयार है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। तो चलिए इसे अब हम बर्तन से निकाल लेते हैं और इसे सर्व भी कर लेते हैं। इस केक को बर्तन के ऊपर रखकर इसी में अब हम केक को निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, केक निकल चुका है, अब इसका हम बटर पेपर निकाल देंगे। वाओ, डिलीशियस, कितना परफेक्ट केक बनकर तैयार है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत सॉफ्ट भी है, इसे थोड़ा बहुत आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आइसिंग शुगर से इसे डेकोरेट कर रही हूँ, साथ ही में इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा दे रही हूँ। दोस्तों, आइसिंग शुगर का मतलब यहाँ पर पिसी हुई चीनी से ही है। अब आप जल्दी से जाएं इस रेसिपी को ट्राई करें, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए बाय एंड टाटा।